अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी दोस्तों अपने कबूतर बंदे, आज दोस्तों छत के ऊपर थोड़ा जल्दी आ चुका हूँ मैं, क्योंकि कल कबूतर बहुत ज्यादा मुश्किल से बंद हुए थे मेरे, मतलब उस टाइम में बारिश आ गई थी, तो वैसे दोस्तों मैंने कबूतर को बंद कर दिया था और कबूतर की पेटी को कवर करके मैं नीचे चल गया था। तो दोस्तों जल्दी से मैं अपने कबूतर खोल लेता हूँ और आज दोस्तों मुझे एक डव का बच्चा मिला है, तो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसके अंदर में रखा है डव का बच्चा जो कि यहाँ पे बैठा है, जो दोस्तों जंगली डव आती ना उसका बच्चा ही है दोस्तों, बहुत ज्यादा छोटा बच्चा ही है। तो ये बच्चा दोस्तों हम किसी भी कबूतर के पास में रख देंगे, देखते अपने कबूतर इसको बड़ा करते हैं या नहीं करते। इससे पहले भी दोस्तों मैंने बहुत बार डव पकड़ा और उनको बड़ा कर रहा और छोड़ दिया। अभी दोस्तों मस्त धूप नहीं कर रही है, तो जल्दी से मैं अपने कबूतर खोल लेता हूँ, क्योंकि कल कबूतर बहुत ज्यादा मुश्किल से बंद हुए थे। तो कल बारिश आ रही थी, मगर कल दोस्तों 5 कबूतर आ गए थे, 5 में के 2 कबूतर सामने में आके बैठे थे, मगर दोस्तों दोनों में से कोई भी कबूतर पकड़ भी नहीं आया था। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है वो कबूतर अभी भी घूम रहे होंगे, मतलब कहीं ना कहीं जाके बैठे होंगे कबूतर, और हो सकता है दोस्तों अभी मैं कबूतर खोलूं तो कबूतर अपने छत के ऊपर में आके बैठ जाए। अभी मैंने अपने कबूतर खोल लिया हूं, कबूतर अपने एकदम एक्टिव है, मतलब कबूतर बीमार नहीं है अपने। बस एक जो यहाँ पे मादी बैठी दिख रही है आपको, वो मादी की थोड़ी आँख खराब हो चुकी है दोस्तों, ये साइड में चील उड़ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है चील इधर भी आएंगी और अपने कबूतर को उड़ा देंगी। माशाल्लाह दोस्तों जो हमने मार्केट से जाग कबूतर लेके आए थे बहुत ज्यादा प्यारा है, और उसकी जो खड़ान है ना वो मुझे बहुत ज्यादा मस्त लगती है। ये है डव का बच्चा, तो इसको हम रखने वाले कबूतर के वश में। ये हरी वाली पीठी में कबूतर का बच्चा रखा है, तो मैं सोच रहा हूँ इस वाले बच्चे को वहाँ पे रखता हूँ। दोस्तों मैं जानबूझ के इस डॉग के बच्चे को हाथ नहीं लगा रहा हूँ, अगर मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो ये बच्चा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जिनने मुझे बच्चा ला के दिए उनने मुझे बोले कि बस तुम इसको हाथ मत लगाना और ये देखना किस तरीके से बड़ा होता है। फिर अभी अपने कबूतर यहाँ पे नहा रहे, क्योंकि उनका नहाने का मूड हो रहा है। दोस्तों ये है अपने घर के कलझूमे कबूतर का बच्चा, जो कि अभी बड़ा हो चुका है और अभी खुद से दाना पानी खाता है बाहर आके, मगर इसके माँ बाप भी इसको दाना पानी खिलाते। दोस्तों ये है अपने परपन कबूतर, जिनके भी पर आ चुके हैं, मतलब पूरे पर तो इनके आए नहीं है, फिर भी देखिए आप ये अभी पैरापीट के ऊपर बैठे, पीठी के ऊपर बैठे। अपने कबूतर बार बार इधर जा रहे हैं क्योंकि इनको भूख लगी है। अभी दोस्तों मैंने कबूतर को दाना डाल दिया हूँ और अपने कबूतर ने दाना भी खा लिया। सब बढ़िया हूँ मैं भी काफी। आपके कबूतर कैसे है ये बताओ? बहुत मस्त है कबूतर, बहुत मस्त है। नए नए कबूतर है? नए नए कबूतर इसमें लगे पेटी में, डॉग के अंदर में कबूतर है। हेलो ओके भाई, अरे वाह, शायद ये वाली पेटी मेरे देखने है ना? नहीं है ना, पेटी नहीं है जो बार बार, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, आती आती रहती आ रही थी, पर दिक्कत ही आ रही थी बार बार इसको। तनवीर भाई के जो दोस्त है उनको कबूतर पालना था, तो उनके पास पेटी थी नहीं, तो एक पेटी उसको दिया था मैंने, और अपने पास बीमारी के चलते थोड़े कबूतर कम हो गए थे, तो इसलिए हमने कबूतर की पेटी उनको दी थी। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद दोबारा लाए थे? हाँ, उनके पास अभी दूसरी पेटी आ चुकी थी और अभी हमने नए नए कबूतर लेके आए, यदि मतलब पूरे टेंशन जोड़े, तो इसलिए हम कबूतर की पेटी की जरूरत थी, तो इसलिए हमने पेटी लेके आए थे दोबारा, एक बार चढ़ाए थे, देखा था मैंने वो ब्लॉग और बाकी मैं उनकी वीडियो देखते रहता हूँ। तो आज हम उनके कबूतर का शौक करने वाले हैं, क्या रिकॉर्ड हो रहा है बिहाइंड द सीन सीन बीटीएस। अरे कहना क्या चाहते हो? सीन चैनल पे तो हम आपको फॉलो करते हैं, लेकिन अभी कैसे फेस टू फेस हम शॉक करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका तरीका अलग है वीडियो बनाने का, हमारा तरीका अलग है। बाकी आई होप कि आप भी हमारे वीडियो देखते होंगे। बिल्कुल, और बाकी देख सकते हो ये इनका, ये देख लो अभी तय सेम टू सेम है, वैसे ही अलग कुछ कर दिया आपने, वो सब सेम ही सेम ही है, बस पेटी का फर्क है ना। ये पेटी बनाई थी नहीं? अच्छा, बलू वाली पेटी लेके आए और ये वाली पेटी लेके आए हैं, देख सकते हो आप। और हम आज उनके कबूतर का शौक करने वाले हैं, जो भी कबूतर हम देखने वाले हैं वो सारे नागपुर के हैं, कई बाहर के भी, नागपुर के भी है, नागपुर के बाहर के भी है। अच्छा, और कबूतर नागपुर के भी, नागपुर जितने आँख में रिंग रहने को ना मदरसी कबूतर की, जितने आँख में रिंग है इसके देखिए, डबल पलक में मदरसी कबूतर, डबल पलक किसी देखो अपन, ये मतलब एक पलक रहती है और उसके ऊपर में देखिए और एक फिर रहती है, तो अभी दोस्तों मैं छत के ऊपर आ चुका हूँ और अभी अपने कबूतर बंद है। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमारे छत के ऊपर में अनिरुद्ध भाई आए थे हमारे कबूतर का शौक करने के लिए, तो दोस्तों वो तो अभी घर पे जा चुके हैं और अभी अपने छत के ऊपर में 3 कबूतर खुले, सिर्फ ये कबूतर गायब हो चुके थे, तो इन्हीं के चक्कर में मैंने ये वाला कबूतर खुला रखा था। अभी कबूतर खुलने का टाइम हो चुका है, तो जल्दी से मैं कबूतर खोल लेता हूं। अभी दोस्तों पूरी शाम हो चुकी है और मैंने अपने कबूतर खोल के बंद कर दिया हूं, बस 3 कबूतर अपने खुले, एक कबूतर यहां पे और 2 कबूतर यहां पे। आज दोस्तों अपने घर का बाजू वाली छत का एक कबूतर मर गया। दोस्तों ये वो कबूतर है जो कि बाजू वाली छत पर रखा था और इस कबूतर को झूला हो चुका था। कबूतर को मैंने खोला और खोलने के बाद में ये कबूतर दाना पानी भी खुद से खा रहा था, और मैं थोड़ी देर के लिए नीचे चले गया, फिर आके देखा तो दोस्तों ये कबूतर मुझे ऐसी हालत में यहाँ पे पड़ा हुआ मिला। दोस्तों ये आखिरी कबूतर बचा था अपने, जब कबूतर की बीमारी आई थी उनमें दोस्तों ये कबूतर बीमारी में आ चुका था, और अभी दोस्तों ये कबूतर मरा है
मतलब तकरीबन 5-6 महीने हो चुके थे जब से ये कबूतर बीमारी में था। बाकी 200 सारे कबूतर मर चुके थे, बस ये कबूतर बचा था। 200 जब बीमारी थी कबूतरों में उस टाइम पे 2-3 कबूतर थे जो कि ठीक भी हुए थे अपने पास में, और वो कबूतर अभी भी अपने पास में है। 200 जैसे कि ललचीना कबूतर, ये भी टेढ़ी मुंडी हो चुका था, मतलब इसको लकवा हो चुका था, और ये कबूतर ठीक हो गया अभी। और यहाँ पे अपना बगीरा रखा है तो ये भी बीमार हो चुका था, मगर ये भी पूरा ठीक हो गया। तकरीबन आधे से ज्यादा अपने कबूतर मर चुके थे, पर 2-3 ही कबूतर बचे थे।